अस्सलाम वालेकुम, मैं उशिराज अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं इस टाइम नारान कागान के ट्रिप में हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं झील सैफुल मलूक। झील सैफुल मलूक जो है नारान से तकरीबन कोई 10 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन रास्ता ख़राब होने की वजह से और ये पहाड़ों में जाने की वजह से ये तकरीबन एक घंटा 10 मिनट, एक घंटा 20 मिनट लगते हैं। असल में हम नारान जब पहुँचे हैं तो अभी टाइम थोड़ा सा लेट था, लेकिन हमने सोचा कि चले 3-4 घंटे है, शाम अभी होने वाली है, 5 बजे हैं। इस टाइम हमने कहा कि चले झील सैफुल मलूक चलते हैं। हमारा फ़ैसला बहुत अच्छा इसलिए नहीं था कि तकरीबन शाम को झील सैफुल मलूक बंद हो जाता है, मतलब 7 बजे के बाद जो है शाम को गाड़ियाँ नहीं छोड़ते। लेकिन हमने जीप वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है टाइम है, 1 घंटा हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, 5:30-6 तक पहुंच जाएंगे, कोशिश करेंगे। असल में मैं आपको बता दूं, ये रोड जो है बहुत अरसे से ख़राब है थोड़ा सा, लेकिन ये रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मेरा मशवरा ये कि आपके पास जो भी गाड़ी हो, लेकिन आप झील सैफुल मलूक उस गाड़ी में ना जाएँ, क्योंकि रास्ता अभी स्टार्ट में आपको मैं दिखाता हूँ, ये आप देख लीजिए। तो चले नारान बाज़ार है, इधर से हम अभी निकल रहे हैं, लेकिन आगे आहिस्ता आहिस्ता रोड ख़राब होता जा रहा है और इसमें ऐसे ऐसे जगह है कि वहाँ पे रोड है ही नहीं। तो जीप हो या जो भी आपके पास बड़ी गाड़ी हो तब भी ना लेके जाएं। यहाँ से ये जिस जीप में हम बैठे हुए हैं, ये अभी ऑफ सीज़न है, मतलब जून का पहला हफ्ता है। तो हमने 3 जीप जो है सारे दोस्तों ने किए हैं, तो ये तकरीबन हमें कोई 2500 रुपये पर जीप पड़ा है, लेकिन नॉर्मली इनका चार्जेस जो हैं 3000 रुपये हैं। इसमें 6-7 बंदे आराम से बैठ जाते हैं। दूसरी बात ये कि अगर सीज़न हो, इनका सीज़न यही जून जुलाई अगस्त सितंबर तक इनका सीज़न होता है, सीज़न में भी ये तकरीबन 3500 से 4000 रुपये लेते हैं। ये फिर भी फ़ायदा मंद है, क्योंकि ये बड़ी गाड़ी है, ये जीप ये स्पेशली इसके लिए तैयार करते हैं और इनका यही सीज़न है, 3-4 महीने इस पे झील सैफुल मलूक आते जाते हैं। ड्राइवर से मैंने गपशप किए, उनसे पूछा है कि ये जीप जो है इसकी स्पेशली इसमें क्या इस तरह है कि इस रास्तों में ये आप इस तरह तेज़ी से इस पहाड़ में लेके जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक तो ये कि जब ये जीप तो स्पेशल या आर्मी वालों के पास होती या बाहर से ये आती है, पुराने जीप होते हैं, इसमें फिर हम इंजन चेंज करते हैं और इंजन इसका तकरीबन कोई 7 लाख रुपए लगते हैं। फिर इसमें टायर जो शॉक्स होते हैं, कह रहे हैं कि इस जीप पे हमारा काफ़ी ख़र्चा हो जाता है, लेकिन ये कि सीज़न की वजह से ये काम कर लेते हैं। फिर सर्दियों में ये जीप कड़ी रहती है, मतलब इसमें क्योंकि इन इलाकों में नारान कागान में फिर बर्फ़बारी होती है। तो ये देख ले, अभी रोड आहिस्ता आहिस्ता जो है चढ़ाई बिल्कुल पहाड़ की तरफ हम जा रहे हैं। पहाड़ों पे अभी बादल भी काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आ रहे हैं और बर्फ़ भी पड़ी हुई है जगह जगह पे। तो नारान में वैसे भी मौसम अच्छा है, लेकिन आगे जितने भी हम अभी जा रहे हैं तो ठंड आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होता जा रहा है। और अभी रास्ते में ये देख ले, होटल्स बन रहे हैं यहाँ पे, यहाँ तक ये गाड़ियाँ आराम से आ जाती हैं। साथ साथ मैं आपको झील सैफुल मलूक तक का ये पूरा रोड दिखाऊंगा। आप देख लीजिए, ये भी कंक्रीट का रोड बना हुआ है। इस यहाँ से यहाँ तक रोड मैं कह रहा हूँ कि मतलब बहुत अच्छा है। अभी आहिस्ता आहिस्ता आप देख ले, बारिश शुरू हो गई, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई और अभी आगे जाते जाते रोड ख़राब होता जा रहा है। और ये रोड है भी, मतलब इतना चौड़ा नहीं है, तो ये सिर्फ जीप वाले आते जाते हैं, तो आगे इससे भी ज़्यादा रोड ख़राब है। लेकिन झील सैफुल मलूक जो है बहुत ज़बरदस्त व्यू है उसका, और रास्ता बहुत ख़राब है, थोड़ा सा मुश्किल रास्ता है, लेकिन खूबसूरती के लिए पहुंचना जो है ना, इस कटन रास्ते से आपको जाना पड़ेगा। रास्ते में आपको जगह जगह बर्फ़ भी पड़ी नज़र आ रही होगी,
कुछ जगह पे लैंडस्लाइडिंग भी होती है, और यहाँ पे मौसम यह इसी तरह ही रहता है, बादल होते हैं, थोड़ी हल्की बारिश होती है। अभी देखते हैं हम शाम का टाइम है, लेट ना हो जाए, हम कोशिश करते हैं अगर टाइम पे पहुंच जाए तो मैं आपके साथ पूरी वीडियो शेयर करूंगा। ये भी देख ले, रोड और भी ख़राब होता जा रहा है, और सिंगल रोड है, मतलब डबल जो है ओवरटेकिंग इस पर नहीं हो सकती, तो ये जीप जो है इस रोड के लिए बना हुआ है स्पेशली। और यहाँ पे मैंने कोई दूसरी गाड़ी नहीं देखी अभी तक कि इस रोड पे कोई प्राइवेट अपनी गाड़ी लेके जा रहा हो, सारे इसी जीप में हैं, आते भी इसी जीप में और जाते भी इसी जीप में हैं। और ख़ुदा ना ख्वास्ता अगर किसी के पास अपनी गाड़ी हो और यहाँ पे ख़राब हो जाए, टायर पंचर हो जाए या कोई मैकेनिकल फॉल्ट आ जाए, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा उसको वापस लेके जाना या यहाँ पे ही छोड़ेंगे। तो मेरा मशवरा है कि कुछ पैसे बचाने के लिए अपनी गाड़ी ना ही लेके जाए तो बेहतर है। अभी ये देख ले, पहाड़ से जो है ना ये बारिश होती है तो ये पत्थर भी नीचे रोड पे आ जाते हैं, लैंडस्लाइडिंग का ज़्यादा ख़तरा होता है। और है भी रोड नहीं है, मतलब ये बस पहाड़ ही है, पहाड़ के बीच में बड़े बड़े पत्थर है, और ये भी आप देख सकते हैं आगे गाड़ी ख़राब खड़ी है, हालांकि जीप है, जीप इनको ख़राब हो गई, लेकिन ये यहाँ के लोकल लोग हैं। बाकी ये कि रास्ते में आपको खूबसूरत जो है आबशार नज़र आ रहे होंगे, बर्फ़ ये साइडों पे पड़ी हुई है, रोड पे बारिश हल्की हल्की हो रही है। ये देख ले, अब सारी जीप जो है इसी रास्ते पे आ रही, और काफ़ी मतलब छोटा सा रोड है, रोड भी नहीं है, पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं, मतलब पहाड़ में ही रास्ता बने हुए हैं, सिंगल रोड है, इस पर बहुत आहिस्ता आहिस्ता जाना पड़ता है, और आपको ये बर्फ़ जो है पहाड़ों पे नज़र आ रही है। व्यू बहुत अच्छा है, मौसम भी काफ़ी ठंडा है। ये टोटल 10 से 11 किलोमीटर है, लेकिन ये रास्ता ख़राब होने की वजह से आपको घंटा लग जाता है, अक्सर घंटे से ज़्यादा भी लग जाता है इन जीप में, अब एक घंटा जाने का और एक घंटा आने का। तो ये कि अभी हम बस पहुंचने वाले हैं, और दुआ करते हैं कि बारिश रुक जाए, झील सैफुल मलूक को हम एंजॉय करें। बारिश तो हल्की हल्की है, लेकिन नॉन स्टॉप जो है बारिश हो रही है, तो अगर उधर बारिश होगी तो फिर वहाँ पे हमारा जो है उसको एंजॉय करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये होटल, बारिश भी हो रही है, होटल है यहाँ पे, ये झील सैफुल मलूक की जगह है, बारिश काफ़ी तेज़ हो गई। ये नज़ारा आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मनाजर है। और बारिश काफ़ी तेज़ हो गई, अभी हम भी देखते हैं किसी होटल में थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं, बारिश रुक जाए फिर आगे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं जी, ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त मनाजर है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, और इस टाइम हम झील सैफुल मलूक में मौजूद है। काफ़ी अच्छा वेदर है, ठंड लग रही है, हम तो छतरी भी साथ लेके आए,
क्योंकि प्रेडिक्शन थी बारिश की, वो हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छा जो है वो नेचुरल ब्यूटी जो कहते हैं, भी आपको मैं नीचे जा के झील के पास, झील सैफुल मलूक जो है, रास्ता काफ़ी ख़राब है मैंने आपको जैसे दिखाया है, लेकिन ये यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और सिर्फ ये झील जो खूबसूरत जो इसके नज़ारे इसको देखने के लिए। अभी भी आप देख ले पहाड़ों पे बर्फ़ जो है नज़र आ रहा है, ये तकरीबन अगस्त जुलाई अगस्त तक जो है ये बर्फ़ पड़ी रहती है। अभी जो है मई का एंड, जून शुरू होने वाले, तो है पीछे हो जाना के साथ नीचे जाके यहाँ पे आपको कावा भी मिल जाएगा। नहीं शुक्रिया बुआ जी, अभी चाय पीने पीछे, तो यहाँ पे पकोड़े और चाय का अलग ही मज़ा है। तो ये आप देख सकते हैं झील का ये पानी जो है, पहाड़ों पे बादल भी है और बर्फ भी है। बाकी आप ये देख सकते हैं, मैं आपको चारों तरफ जो है दिखा देता हूँ, बादल भी है और बर्फ़ भी पड़ी हुई है और हल्की हल्की बारिश हो रही है। ये मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, तो इस दफ़ा मैं आपको ये जो है आपको दिखाता हूँ कि इस दफ़ा मैं आपको नॉर्दर्न एरिया का विज़िट कराऊँगा। और इंशाल्लाह अभी ये नारान खान का विज़िट है, तो ये अभी हम झील सैफुल मलूक आए, इंशाल्लाह मैं फिर आपको इसके बाद जो है ये बहुत शुक्रिया कावानी चाय पियेंगे। तो अभी मैं आपको ये झील के पास आ गए, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि बारिश हो रही है हल्की हल्की। ये एक पुल है इधर, ये आप सारा नज़ारा देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। बर्फ़ भी पड़े हुए है और बारिश भी हल्की हल्की हो रही है। अभी आगे जाते हैं इस पुल पे, ये यहाँ का नीचे झील का जो है एक पुल है और यहाँ से पूरी झील आपको नज़र आ रही है, ये देख ले। मैं आपको बता दूँ, यहाँ तकरीबन मैं कोई 10 साल बाद आया हूँ झील सैफुल मलूक। नारान खान में आया था 2 साल पहले, लेकिन अभी जो है मैं आया हूँ यहाँ पे झील सैफुल मलूक 10 साल बाद, और काफ़ी चेंजिंग तो आई हुई है, लेकिन झील तो वही है। लेकिन ये है कि रास्ता थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी सहूलियात है। तो अभी मैं आपको यहाँ से ये झील के नज़ारे भी दिखाता हूँ कि आप ये देख लें, काफ़ी ख़ूबसूरत जो है ये झील है और नज़ारा जो है आप देख सकते हैं। कैमरे में जो आता है वो अलग होता है, लेकिन जो रियल में जो ये नज़ारा है ये काफ़ी ख़ूबसूरत नज़ारा है। तो यहाँ पर अभी बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, ये देख ले लोग यहाँ पे आके छतरी साथ हम भी लेके आए। यहाँ पे वो गुब्बारे वाले जो है, वो अभी बारिश है तो कोई है नहीं बंदूक पे जो गुब्बारे के निशाना लगाते। बाकी व्यूज़ आप चेक कर ले, माशाल्लाह काफ़ी जो है अच्छा व्यू है। मैं आपसे ये बात करना चाहता था कि यहाँ पे जो 10 साल पहले मैं आया था दोस्तों के साथ, तो ये होटल जो आपको नज़र आ रहे हैं ये उस टाइम नहीं थे। तो ये एक अच्छी फैसिलिटीज़ है कि काफ़ी होटल बन गए, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़, गाड़ियाँ भी अब ज़्यादा आती है। पहले हम जो है बहुत ऊपर से जो रास्ता था वो वाला जो मैं आपको दिखा देता हूँ, वहाँ से हम पैदल आते थे। तो ये लेंस पे थोड़ा सा पानी आ गया क्योंकि बारिश हो रही है, तो वहाँ से हम जो है नीचे पैदल आते थे काफ़ी ऊपर से। तो अभी जो है यहाँ पर गाड़ियाँ आती है और रास्ता भी इधर पैदल इतना नहीं है। तो आगे जाके मैं आपके साथ और भी ये झील के लम्हात ये सारे शेयर करता हूँ, तो साथ रहिए हमारे साथ।
झील सैफ उल मुल्क के नज़ारे हल्की हल्की बारिश के साथ, अच्छा मौसम है, एंजॉय कर रहे हैं। भाइयों यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है वॉशरूम की सहूलत भी है, वहाँ पे ये टॉयलेट लिखा हुआ है वहाँ पे भी है। तो ये एक अच्छा वो है कि यहाँ पे इंतज़ाम है क्योंकि फैमिलीज भी आती है। यहाँ पे भी बारिश हो रही है इस टाइम, और बाकी ये है कि चाय कॉफ़ी आपको मिल सकती है। ये मेरे साथ एक दोस्त खड़े, ये भी बाग है, ये कह रहे थे कि मैं आपको जो है यहाँ पे इस झील की स्टोरी सुना देता हूँ। तो मैंने तो सुन ली, तो आपको इस स्टोरी को सुनने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा। और बाकी ये है कि ये स्टोरी आपको गूगल से मिल सकती है, और आजकल ये जो है यहाँ पे पूरा किस्सा है झील सैफ उल मुल्क के हवाले से कि इसके कि यहाँ पे झील में सुबह के टाइम किश्तियाँ भी होती है, और वो किश्तियाँ जो है इस टाइम ये क्योंकि शाम का टाइम है, हमने भी अभी बस जाना है वापस, सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा रश होता है और ख़ूबसूरत मनाजिर भी होते हैं ये सुबह के टाइम भी इस तरह होते हैं, लेकिन आज बारिश की वजह से रश भी नहीं है। और हम भी थोड़े लेट आए, तो मैंने कहा चले आपके साथ ये मनाजिर शेयर करें। बाकी अच्छा है, ये होटल वगैरह है यहाँ पे, सहूलियात है। तो चाय और पकोड़े गरम गरम हमने खा ली, और अभी वापसी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी।